नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, बैंक निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम बैंक निफ्टी की चर्चा करेंगे, बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल को समझेंगे, देखेंगे कि आज बैंक निफ्टी ने जहां पे क्लोज किया है, क्या कल उससे ऊपर जाने की क्षमता बैंक निफ्टी में है या नहीं है। तो दोस्तों, उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा वीडियो पसंद आता है आप लोग को तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए, वीडियो के नीचे कुछ कमेंट जरूर कर दीजिए और वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों देखिए, बैंक निफ्टी ने आज 25,500 के लेवल के ऊपर जाके इसने क्लोजिंग की है। ध्यान ये रखना है कि 25,500 के ऊपर ये क्लोज दे चुका है बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट लेवल है कि बैंक निफ्टी आज के लो के नीचे क्लोज ना करे, यानी 350 के नीचे जब तक ये क्लोज नहीं करता है आपके पास चांसेस है कि बैंक निफ्टी जल्दी ही 26,200 और 26,300 के लेवल यहाँ से दिखा सकता है। अगर बैंक निफ्टी कल 25,350 के नीचे क्लोज करता है तो फिर ये क्या होगा, इसी रेंज में आके फंस जाएगा, जिस रेंज में करीब ये पूरे 24 अक्टूबर से लेकर यहाँ पे देखिए आज 24 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक जहाँ तक ये फंसा था बैंक निफ्टी, यहीं पे आके बैंक निफ्टी वापस फंस जाएगा। तो हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी जो है कल भी वो 25,500 के ऊपर ही क्लोजिंग दे, कहीं पर भी 25,500 के ऊपर क्लोजिंग देगी वो हमारे लिए पॉजिटिव ही होगा। जब तक बैंक निफ्टी 25,500 के ऊपर की क्लोजिंग रहेगी तब तक हमारा वो टारगेट ओपन रहेगा। ध्यान रखिए, टारगेट हमेशा जब भी ओपन रहेगा, एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर जब तक क्लोजिंग है तब तक ये ओपन है। जैसे ही इंपॉर्टेंट लेवल यानी 25,500 के नीचे की ये क्लोजिंग करता रहेगा, ये टारगेट वापस हट जाएगा। देखिए, हम ट्रेडर हैं तो इंट्राडे अगर ये हम एनालिसिस कर रहे हैं तो ये एनालिसिस सिर्फ हमारे लिए कल तक के लिए वैलिड है, और ये तब तक अगर कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स के बारे में बता रहा हूँ कि 26,200 जा सकता है तो वो तब तक वैलिड है जब तक वो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोज करता है। अगर वो नीचे क्लोज करता है तो छोटे मोटे लॉस से अपनी पोजीशन हमें कट कर लेनी चाहिए। अब देखिए, आज इतने सारे दिन 25,500 के ऊपर ही क्लोज किया और काफी अच्छी जगह क्लोजिंग इतने दी, ठीक ठाक क्लोजिंग है, इस क्लोजिंग को खराब नहीं बोलेंगे। इसको अगर मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे दिखाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार इसने सुबह की कैंडल में 25,500 को ब्रेक किया, उसके बाद से इसने 25,500 को यहाँ पे टेस्ट नहीं किया, और इंपॉर्टेंट लेवल है कि इसके ऊपर ही धीरे धीरे करके इसने क्लोजिंग की है 25,500 के ऊपर। बस थोड़ी सी देखने वाली निगेटिव चीज अगर देखेंगे तो यह है कि ये हाई के आसपास से जाके 700 के आसपास से आके 600 के पास में इसने क्लोजिंग दी। अगर ये 700 के आसपास ही हाई लेवल के आसपास ही क्लोजिंग करता तो हमारे लिए थोड़ा सा और पॉजिटिव थिंक होता। तो ध्यान रखिए, कल ये 25,500 के नीचे ट्रेड करे, लेकिन अगर शाम को या 3 बजे जाते हैं 25,500 के ऊपर क्लोज करे तो पोजिशन को आप रखिएगा। 25,350 के नीचे की क्लोजिंग करेगा तब हम पोजिशन से जो हम स्विंग ट्रेडिंग की पोजिशन लेके जाएंगे उस पोजिशन से हम एग्जिट कर लेंगे। चलिए अब देख लेते हैं हमारे लिए अब बैंक निफ्टी में है बैंकिंग कौन से बैंकिंग स्टॉक्स हैं जो हमें अच्छा मूवमेंट दे सकते हैं। इलाहाबाद बैंक, देखिए अब इसने 38 के ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट कर दिया। ये अब जब तक 38 के ऊपर की क्लोजिंग रहेगी हमारा टारगेट अब इस पे 40 का हो जाएगा। अब हम इस पे थोड़े से बुलिश होंगे 40 के पॉइंट तक जाते जाते, मतलब 40 के ऊपर अभी फिलहाल नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इस मूव में ये 40 तक का पहले हम टारगेट देख रहे हैं। तो 38 के ऊपर जब तक क्लोजिंग है तब तक 40 का टारगेट इस पे बना रहेगा। एक्सिस बैंक इंपॉर्टेंट लेवल है 560 का, इसको होल्ड कर रहा है कंटिन्यू, लेकिन अभी भी स्टॉक 600 620 ये सारे रेजिस्टेंस ही हैं इसके लिए। जब ये 620 के ऊपर क्लोज करेगा तब मैं क्लियर बोलूंगा आपको कि हाँ 620 के ऊपर क्लोजिंग के बाद आप 660 या 680 के टारगेट के लिए बिल्कुल उठा के ले जाइए। यहाँ पे जब तक है तब तक मुझे थोड़ा सा डाउट क्रिएट करेगा, और जल्दी रिजल्ट भी आएंगे तो रिजल्ट आने के बाद एक सेफ पोजिशन यहाँ पे चार्ट पे जरूर दिखेगी आप लोगों को। बैंक ऑफ बड़ौदा धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, लेकिन इस मूव में अगर आपके पास में है जब तक ये 100 के ऊपर की क्लोजिंग करता है 105 तक के टारगेट आएंगे, 100 के नीचे की क्लोजिंग करे तो स्टॉक से निकल जाइए। बैंक ऑफ इंडिया, ये स्टॉक सब धीरे धीरे देखिए अभी पहुंच गया है 80 के आसपास तक, 80 के ऊपर की क्लोजिंग इसको थोड़ा सा पॉजिटिव करेगी 84 और 85 के टारगेट के लिए, लेकिन जैसे ही 80 के नीचे की क्लोजिंग दे स्टॉक से तुरंत निकल जाना। देखिए, लॉस को बुक करना प्रॉफिट के बराबर ही है, जिस तरह से हम प्रॉफिट गेन करते हैं उसी तरह से अगर लॉस को भी सही समय पर हमने कट कर लिया तो वो प्रॉफिट के ही बराबर है, तो लॉस को कट करना आपको आना चाहिए। तो इस स्टॉक पर भी नज़र बना के रखिए। कैनरा बैंक, जैसे कि मैं बोला 240 के ऊपर आप बिल्कुल इसको लेके जाइए 250 के टारगेट के लिए। 240 के ऊपर जिस दिन कंटिन्यू ट्रेड करे 15 मिनट 20 मिनट आप पोजीशन बना लीजिए। अगर 240 के ऊपर ही क्लोजिंग करता है तो जरूर लेके जाइए 250 के टारगेट के लिए। डीसीबी बैंक, देखिए हमने डीसीबी बैंक 51 पे रिकमेंड किया था, अब ये देखिए 68 पे पहुंच चुका, 68 पे इसने क्लोजिंग दी है। मेरे ख्याल से ये मूव और एक्सटेंड हो सकता है 75 तक जा सकता है, लेकिन अगर आपके पास पोजीशन है तो 65 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड कीजिए। जो प्रॉफिट मिल रहा पहले उस प्रॉफिट को लॉक कीजिए, फिर उसके बाद देखेंगे कि अगला प्रॉफिट क्या बन सकता है यहाँ पे। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां से जाके आप हमारे जीरोधा में अकाउंट ओपन कीजिए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए आप।
एचडीएफसी बैंक, मैंने कल ही कहा था कि मुझे ये तभी अच्छा लगेगा जब ये 2050 के ऊपर निकलेगा, उसके पहले मेरा इस पर कोई व्यू नहीं है फिलहाल। उसके पहले बस मुझे ये इंपॉर्टेंट है, जिसने भी अगर पोजिशन बनाई हुई है स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो एक स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा पिछले दिन के लो का। आईसीआईसीआई बैंक 320 के ऊपर इसने क्लोजिंग तो दे दी है, लेकिन वापस फिर से थोड़ा सा मुझे डाउट है। तो ये क्लोजिंग इसने 320 के ऊपर दे दी है, अब इस पर नजर हमारी कल रहेगी। कल वापस अगर 320 के ऊपर ही ट्रेड करता है और वहीं पे क्लोज करता है तो हमारा टारगेट 330 और 340 का होगा। 320 के नीचे वापस अगर 318 की क्लोजिंग दे, छोटू मोटे लॉस लेके स्टॉक से निकल जाइए यहाँ पे। आईडीबीआई अब अपने आप को होल्ड कर रहा है इस जगह पे, तो छोड़ दीजिए, इस पर कोई अभी फिलहाल मेरा ओपिनियन नहीं है। जिसके बाद पोजीशन बनी है तो स्टॉप लॉस लगा के जरूर आप ट्रेल करते रहिए। आईडीएफसी बैंक पे इसमें भी कुछ खास मूवमेंट नहीं है, जो रेजिस्टेंस है वो 37-38 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी यहाँ पे दिख रहा है आईडीएफसी बैंक में। इंडियन बैंक, इंडियन बैंक पे चार्ट पे नजर बना के रखिए। इंडियन बैंक पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक अपमूव मिल सकता है। इंडियन बैंक अगर ये 350 के ऊपर, सॉरी 250 के ऊपर क्लोज करेगा तो आपको उसी दिन शायद ये 260-262 के लेवल फिर से दिखा सकता है। तो 250 के ऊपर ट्रेड करना इसके लिए इंपॉर्टेंट है इंडियन बैंक को। इंडसइंड बैंक देखिए, रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद से एक अच्छा मूवमेंट भी दिया इसने इंट्राडे में, यही बैंक निफ्टी को ऊपर भी लेके गया। देखिए 92 तक गया, वापस आके इसने 24 के आसपास 26 पे इसने क्लोजिंग दिया है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल नीचे के लिए 1550 का ही लेवल इंपॉर्टेंट है इसके। जैसे मैं बार बार बोल रहा था कि 1650 के ऊपर का एक मूव हमें 50 से 60 पॉइंट का जरूर मिलेगा, लेकिन नीचे अब ध्यान में रखिएगा इस स्टॉक को 1550 का लेवल। कोटक बैंक 1550 के ऊपर क्लोजिंग बनी हुई है, जब तक कि 1550 के ऊपर बने रहेगा, सॉरी 1150 के ऊपर की क्लोजिंग दे रहा है कंटिन्यू। लेकिन ध्यान रखिए, दो दिन तक ये कैंडल बना रहा है, वो लॉन्ग लेग दोजी टाइप की कैंडल बना रहा है दो दिन से। ध्यान रखिए, जैसे ही 1550 को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो फिर ये 30-40 पॉइंट का मूवमेंट नीचे की तरफ दे सकता है। अगर ये अपने हाई को, यानी कल वाले हाई को, आज के हाई को नहीं कल के हाई को ब्रेक करता है तो फिर 1200 का टारगेट भी दे सकता है। पीएनबी देखिए, पीएनबी धीरे धीरे करके अपने आप को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, पीएनबी में हर दिन के पिछले दिन के लो का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन पे आप बने रहिए। अगर आपके पास पोजीशन है तो पिछले दिन का लो ही स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन पे बने रह सकते हैं। आरबीएल बैंक 540 के ऊपर की क्लोजिंग करेगा तो 560 तक जा सकता है। तो मेरे ख्याल से लगता है ये कल 540 के ऊपर की शायद क्लोजिंग करे, तो आरबीएल बैंक पे नजर बना के रखिए, 540 के ऊपर क्लोजिंग इसको 560 तक लेके जाएगी। SBI ऊपर और नीचे दोनों तरफ बीच में ही फंसा हुआ, 280 और नीचे 260 के नीचे 258-257 के पास में सपोर्ट है। तो इन दोनों लेवल के बीच में जब तक है तब तक इसी तरह के मूवमेंट करेगा तो क्लियर मूवमेंट हमें समझ में नहीं आएगी। यूनियन बैंक, इसमें भी कुछ खास मूवमेंट नहीं तो छोड़ दीजिए। यस बैंक को देखिए, यस बैंक अब पिछले तीन दिन से देखिए कंटिन्यू अपने आप को एक जगह पे रोक के बैठा हुआ है। अब मुझे लग रहा है कि 240 के नीचे के क्लोजिंग इसको नीचे लेके आएगी फटाक से 220 तक। तो अब इस पे 240 के नीचे के क्लोजिंग पर ध्यान रखिए यस बैंक को। फेडरल बैंक देखिए, फेडरल बैंक को मैंने 75 पे आप लोग को बोला था, 74 पे ही बोला था 74 के ऊपर क्लोजिंग करे तो इसको लेके जाइए। देखिए 74 के ऊपर की क्लोजिंग इतने दी और आज देखिए स्टॉक 82 पे पहुंच चुका है। अब ये छोटा सा रेजिस्टेंस इसको मिलेगा 84-85 के आसपास में। अगर 84-85 भी निकालता है तो फिर ये 90 के टारगेट तक जा सकता है। कर्नाटका बैंक अभी रेंज में फंसा है, ध्यान रखिएगा इस रेंज का अपर पॉइंट। अब इसको आप जब तक ये 107 को क्रॉस ना करे तब तक लेके मत जाइए नीचे की तरफ। 95 के नीचे अगर ब्रेक कर देता है, क्लोज करता है तो फिर इसको आप शॉर्ट करके जाइएगा कर्नाटका बैंक। तो चलिए देख लेते हैं हमें बैंक निफ्टी कल कहाँ पे बाइंग और कहाँ पे सेल करना है। दोस्तों हमारी ऑनलाइन क्लासेस डेली चलती हैं, शाम को 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। तो जो भी सज्जन ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने में इंटरेस्टेड है हमारे नंबरों पर कॉल करके आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों हम बैंक निफ्टी को बाइंग करेंगे 25,600 के ऊपर निकलेगा तब हमारा पहला टारगेट होगा 25,700 का, दूसरा होगा 25,800 का और तीसरा होगा हमारा 25,900 का। स्टॉप लॉस होगा हमारा 25,500 का। अगर ये 25,500 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम इसको सेल करेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 25,400 का, सेकंड टारगेट होगा 25,300 का और थर्ड टारगेट होगा हमारा 25,200 का। स्टॉप लॉस होगा हमारा 25,600 का। दोस्तों ये सारी वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाता हूँ, तो आप वीडियो को देखिए, समझिए, सीखिए। अगर आप इस पे ट्रेड लेते हैं तो आपकी ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ट्रेड लेने से पहले आप अपनी एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा। ये मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा अपना व्यू है। इस कंडीशन के बाद मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, तो आप भी अपनी एनालिसिस कर सकते हैं।
दोस्तों हमारी वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए। देखिए बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर तो बनता ही आप लोगों की तरफ से, अगर जिसको पसंद आती है। जिसको नहीं पसंद आती है वो वीडियो पे जाके डिसलाइक कर सकता है और नीचे कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं कि आपको ये वीडियो क्यों पसंद नहीं आई है। अगर जिसको पसंद आती है तो वो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए बैंक निफ्टी निफ्टी और स्टॉक के एनालिसिस के साथ में। तब तक आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।